चलिए, सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द ओटीक्यूज, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, राइट. तो सबसे पहले कुछ वार्म अप सेशन करते हैं, और वो वार्म अप डिस्कशन किसके साथ करते हैं बेटा? ट्रू फॉल्स के साथ, राइट. तो स्टार्ट करें ट्रू फॉल्स, रेंडमली सिलेक्ट करते हैं. अगर कुछ क्वेश्चन रह जाए तो आप अपनी बुक से आंसर चेक कर सकते हो, बिकॉज देर आर सो मेनी क्वेश्चन, राइट. तो मैक्सिमम जितना हम डिस्कशन कर सकते हैं वो करेंगे, उसके अलावा फिर आपका असाइनमेंट रहेगा, टास्क रहेगा. अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आता है आफ्टर द क्लास, स्क्रीन शॉट लेके आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं. बट ये एक ऐसा सफर है, ये एक ऐसी जर्नी है बेटा, जो आपके काम आने वाली है विद इन फ्यू मंथ्स. वन और टू मंथ्स के बाद आपका ओटीक्यू पेपर आने वाला है, राइट. उसमें ये सपोर्ट करेगा आपको, राइट. चलिए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं. सेकंड, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. क्या लगता है बच्चों, ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स, जल्दी जल्दी पार्टिसिपेट कीजिए. ट्रू. फॉल्स, बिल्कुल ट्रू है सर, 100% कंपनी रियल में एग्जिस्ट नहीं करती. तो क्या कंपनी कोई सिटीजन होगी? ट्रू या फॉल्स? फॉल्स सर. नहीं, अभी अभी तो बात की है, आर्टिफिशियल है, राइट. देन क्या कंपनी में वॉलंटरी एसोसिएशन होता है पर्सन का? ट्रू और फॉल्स? क्या लगता है बच्चों, ट्राई करो, पैसे नहीं लगने आपके, ना मिलने हैं ना देने, ना देना ना लेना, जस्ट ट्राई. यस, अ कंपनी. फॉल्स. यस, फॉल्स कैसे होगा बेटा? वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जो जो इंसान अप्लाई करना चाहता है शेयर होल्डर, वॉलंटरी आप कर सकते हैं. नया कंपनी का कोई शेयर आ रहा है, आप चाहे तो परचेज कर सकते हैं. हाँ, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जरूरी थोड़ी ना है आपको शेयर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, बट प्रोबेबिलिटी तो यही कहता है कि अगर आपने शेयर खरीदने के लिए अप्लाई किया तो कुछ ना कुछ तो मिलेंगे, राइट. बिल्कुल सही है बेटा, द आंसर इज ट्रू. मैं फिर बोल रहा हूं, अगर किसी बच्चे के दिमाग में बहुत ज्यादा टेंशन आ रहा है किसी एक क्वेश्चन को लेके, प्लीज घबराना नहीं, क्योंकि दो ही ऑप्शन है, आइदर ट्रू और फॉल्स. टेंशन लगे रजिस्टर में नोट डाउन कर लेना, पॉइंट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7 हमें समझ में नहीं आया, लेटर ऑन यू कैन डिस्कस अगेन. अब एक शानदार बात आ रही है, अब जो क्वेश्चंस देख रहे हैं आपको 5th से लेकर 8th तक, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें से एक क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में 100% आना है बेटा. तो सबसे पहले 5th नंबर से स्टार्ट करते हैं. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट. क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स. 100% फॉल्स. सर क्यों फॉल्स? क्योंकि ये सब कौन सी कैटेगरी के अकाउंट है बता सकते हैं बेटा? कौन सी कैटेगरी के? पर्सनल. पर्सनल. अरे हमने नाम दिया यार, कंपनी ने नाम दिया, ये एप्लीकेशन है, ये अलॉटमेंट है, ये फर्स्ट कॉल है, ये सेकंड कॉल है, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, हमने नाम दिया. स्कूल की फीस. यस मानू, बोलो बेटा. यस मानू. यस बेटा. एक बार रियल नॉमिनल और पर्सनल में डिफरेंस बता देना. गुड, जल्दी से सुनिए. पर्सनल अकाउंट व्हिच इज रिलेटेड टू द नेम ऑफ एनी पर्सन, वेदर नेचुरल और आर्टिफिशियल. आपका नाम, मेरा नाम, सबका नाम, ये किस में आएगा? पर्सनल. आपके स्कूल का नाम, किसी और स्कूल का नाम, रिलायंस, वोडाफोन, जियो, पीओ, ये सब किस में आएगा? पर्सनल में ही आएगा. नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो या रिप्रेजेंटेटिव हो, जो 11th में हम आपको पढ़ाते थे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, अनअर्न इनकम, राइट, ये सब पर्सनल अकाउंट. रियल अकाउंट जो बिजनेस की असेट्स से रिलेटेड होता है, विच इज रिलेटेड टू द असेट्स ऑफ द बिजनेस, दैट विल कम इनटू द कैटेगरी ऑफ रियल. और जो बचा हुआ प्रॉफिट लॉस एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट्स हैं, लॉसेस हैं, ये सब किस में आता है बच्चों? सर ये आता है नॉमिनल अकाउंट में. एक बिजनेसमैन की लाइफ में सबसे ज्यादा नॉमिनल अकाउंट यूज होता है, क्योंकि डेली रूटीन बेसिस पर परचेज सेल एक्सपेंसेस रेवेन्यू लॉस प्रॉफिट, ये सब किसका पार्ट है? नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है, राइट बच्चों? ठीक है, तो ये गलत है. शेयर एप्लीकेशन पर्सनल अकाउंट, द आंसर विल बी फॉल्स. 6th में आते हैं बेटा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज अ पर्सनल. बताइए सही है गलत है? ये क्वेश्चन नंबर 6. बिल्कुल सही है सर, ट्रू. शेयर अलॉटमेंट, अरे सर एप्लीकेशन हो, अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल हो, सेकंड कॉल हो, ये सब किस में आएगा? पर्सनल में आएगा. तो 7th क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा? ट्रू. और 8th का क्या होगा? फॉल्स. देखिए एक बात तो कंफर्म है, आपके पास बोर्ड के पेपर में 12 मार्क्स का इशू ऑफ शेयर आना है. क्वेश्चंस बहुत सारे हैं और सारे हार्ड नहीं आने,
सारे इजी भी नहीं आने, इट विल बी अ बैलेंस पेपर। तो आप में से जो बच्चे अपने आप को टॉपर मानते हैं उन्हें संघर्ष कुछ ज्यादा करना पड़ेगा, साफ बात। और जो कह रहे हैं ठीक है सर 12 में से 10 नंबर भी आ गए, दो छोड़ दिए, दो हार्ड लेवल के लगे, कोई बात नहीं, रिलैक्स, एफर्ट्स करते रहो बिना टेंशन लिए, कुछ भी दिख सकता है, ऑप्शंस दिखेंगे कंफर्म। एकदम इजी लोगे तो 12 में से 6 नंबर, थोड़ी अच्छी मेहनत करोगे 12 में से 10 नंबर, थोड़े और अच्छे एफर्ट्स करोगे 12 out of 12, लेकिन 12 out of 12 के लिए थोड़ा सा ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, बोलो बेटा ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स। व्हाई? क्योंकि कंपनी लायबल नहीं होती क्रेडिटर्स को बाद में पैसा देने के लिए। यही तो ऑनर होते हैं, यही तो ऑनर्स होते हैं सर। अगर हम किसी कंपनी के शेयर होल्डर है, वी कैन बी ट्रीटेड एज अ ऑनर ऑफ द कंपनी। अगर मेरे पास किसी कंपनी का 0.1% शेयर्स है, 0.1 भी ज्यादा होता है बेटा, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, 50 करोड़, 500 करोड़, 10,000 करोड़ शेयर की कंपनी, अगर मान लीजिए लाइक जितने भी करोड़ रुपए की शेयर कैपिटल है उसमें अगर आपके पास 0.8% शेयर भी है तो भी आप मालिक हो, तभी तो शेयर होल्डर को एज अ ऑनर ट्रीट किया जाता है, वी कैन नॉट टेक इट एज अ क्रेडिटर, राइट? तो द आंसर इज फॉल्स, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 10 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा, इंटरेस्टिंग। शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर मूवेबल असेट, बताओ बेटा ट्रू? व्हाई? सर रीइशू करके इनको अपन दूसरों को भी तो दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। देखो अगर ये लॉजिक समझ में आ जाए तो मजा आता है, नहीं तो बच्चे कहते हैं रेटिफिकेशन है सर, ट्रू या फॉल्स ही होना है। तो कोई बात नहीं, आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना? रीजन नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं, चलेगा, ट्रू, आंसर इज ट्रू, बिल्कुल सही है। अब ये देखिए, ये थोड़ा सा वर्ड की स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, आई शुड राइट वर्ड राइट। 11th क्वेश्चन, लिमिटेड वर्ड इज यूज फॉर प्राइवेट कंपनीज, क्या बोलते हो बेटा? ट्रू। सोच लो बेटा, लिमिटेड वर्ड इज यूज्ड फॉर प्राइवेट। प्राइवेट कंपनी के पीछे हमेशा लिखा होता है प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी के नाम के एंड में हमें। सर ये तो 11th में पढ़ा था, क्या करे बेटा, अब बोर्ड के पेपर में एग्जामिनर ने डिसाइड किया यार बच्चे थोड़ा सा डिस्टर्ब रहे पूरे साल भर, इतना अच्छे से ऑनलाइन स्टडी नहीं कर पाए, तो चलो 11th क्वेश्चन भी एक डाल देते हैं। तो कुछ बच्चे तो कहेंगे सर वाओ मजा आ गया, लेकिन आपको ऑप्शन 4 मिलेंगे तो कंफ्यूजन भी बढ़ सकता है, केबीसी की तरह ही है बेटा, 4 ऑप्शन मिलेंगे तो आपके पास अच्छी नॉलेज है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, सीधा ओएमआर पे आंसर टिक करेंगे, राइट बेटा? द आंसर इज फॉल्स, बिल्कुल सही है, ये आंसर गलत है। रजिस्ट्रेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज नेसेसरी, क्या बोलते हैं बेटा बताइए? ट्रू। बिल्कुल ट्रू है बेटा, 100%। देखिए सोल प्रोप्राइटर की बात करें या पार्टनरशिप फर्म की बात करें, रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे चलेगा, पार्टनरशिप के केस में सर 18 पार्टनरशिप के केस में तो 100% आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, मतलब सॉरी कंपनी के केस में, राइट बेटा? द आंसर इज 200% सही है। नेक्स्ट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इज शोन ऑन द असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, बोलिए बोलिए। गलत सर, पहली बात बैलेंस शीट के अंदर एक साइड होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी, सेकंड साइड होता है असेट्स, तो असेट में तो सर आ ही नहीं सकता सर, ये इक्विटी एंड लायबिलिटी में आता है। इसका और अच्छे से डिटेल चाहिए क्या आपको नॉलेज बेटा? थर्ड बुक स्टार्ट करने वाले विद इन फ्यू डेज थर्ड बुक स्टार्ट होगी, ठीक है? उसमें मैं आपको प्रोजेक्ट भी बताऊंगा और फिर हम आगे वर्कआउट करेंगे, वो आप सबके लिए नया होगा एकदम, राइट बेटा? और इंटरेस्टिंग भी होगा, बहुत हुआ शेयर एंड कंपनी एंड ऑल, ये सब खत्म होने वाला है, तो 2-4 दिन और अपने आप को मैनेज कर लो, फिर सब कुछ नया। और उस थर्ड बुक को जितना भी टर्म 1 में आ रहा है कंप्लीट करने के बाद मैं आपको कंप्लीट रिवीजन दूंगा और बोलिए करवाऊंगा 100%, लेकिन मेहनत आपको भी करनी होगी, राइट? आइए थोड़ा सा कुछ और बीच बीच में से डिस्कशन करते हैं। तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम वाला तो आंसर गलत है भाई, फॉल्स होगा इसका आंसर तो, राइट बेटा? आगे चलते हैं 14th नंबर क्वेश्चन की ओर। प्रमोटर्स जो होते हैं कंपनी के, क्या ये कंपनी के ऑनर होते हैं बेटा? क्या लगता है? फॉल्स। सर प्रमोटर ऑनर कहां से होते हैं? ऑनर तो शेयर होल्डर होते हैं सर, द आंसर इज फॉल्स। अब फिर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है 15th बेटा, वेरी इंटरेस्टिंग। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, बोलिए बेटा। ट्रू। ट्रू। सोच लो विद रीजन, सिक्योरिटी प्रीमियम नॉमिनल अकाउंट है,
Why it is a nominal account? Answer sahi hai. Gain hai sir. Huh? Gain hai, profit hai sir. Extra. बिल्कुल बेटा बिल्कुल very good. अब देखिए next two questions जो theoretical में तो नहीं आते but practical 100% आपको देख सकते हैं बेटा. देखिए सुनिए, हमने इतना discussion अभी तक नहीं किया था आज क्योंकि इसका practical question long में नहीं आ सकता. एक बात सुनिए, मैं एक example ले लेता हूँ राजवीर के साथ. Yes राजवीर unmute करो बेटा, वैसे भी बहुत दिन बाद आया आज राजवीर, तो I should have a word with राजवीर. Yes बेटा जल्दी से, अरे कोई सुना डांट नहीं रहा बेटा, don't worry. Yes राजवीर जल्दी जल्दी जल्दी, हमारे पास टाइम कम है बेटा. देखो इट मींस ये बच्चा सो रहा है. चलो वंशिका के साथ डिस्कशन करें. वंशिका यस अनम्यूट योरसेल्फ बेटा. यस वंशिका. यस सर. वंशिका बच्चों, वंशिका हमारी शेयर होल्डर थी और जब अलॉटमेंट का टाइम था या फर्स्ट कॉल का टाइम था, फर्स्ट कॉल का वंशिका आपने पेमेंट मुझे लेट दिया. कैसे दिया पेमेंट आपने मुझे बेटा बताओ? लेट दिया. तो बच्चों मैं इस वंशिका से क्या चार्ज करूंगा? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स. अगर आप वंशिका कंपनी को लेट पेमेंट करोगे तो हम आपसे क्या चार्ज करेंगे? इंटरेस्ट. अब आप म्यूट कर सकते हो. और ये विशाल अनम्यूट करके बैठा है तो विशाल से भी बात कर लेते हैं. विशाल इसने क्या किया था अलॉटमेंट पर? फर्स्ट और सेकेंड कॉल का पेमेंट एडवांस दे दिया था. हमने नहीं मांगा बीइंग अ कंपनी, बट इसने क्या दे दिया हमें? एडवांस. तो अगर कोई शेयर होल्डर हमें पैसा लेट देता है तो हम उससे पेनल्टी चार्ज करेंगे. और अगर कोई शेयर होल्डर हमें एडवांस पेमेंट कर देता है तो हम उससे क्या देंगे? इंटरेस्ट देंगे. यानी कि यस विशाल म्यूट कर सकते हो बेटा, अगर कोई शेयर होल्डर लेट पेमेंट कर रहा है तो हम उससे क्या करेंगे? उससे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे. और अगर कोई शेयर होल्डर जल्दी पेमेंट कर रहा है एडवांस, तो उसके ऊपर कंपनी उससे क्या देगी? इंटरेस्ट देगी. इज इट ओके? अब प्रॉब्लम ये आती है किसे देगी किसे लेगी, कितना होगा इंटरेस्ट. तो सुनिए, अगर आप लेट पेमेंट करेंगे, पुराने रूल्स बताता हूं सबसे पहले, आज से कुछ साल पुराने वाले. अगर कोई इंसान लेट पेमेंट करेगा तो कंपनी उससे इंटरेस्ट चार्ज करती है 5% पर एनम. इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर 5% पर एनम. और अगर आप जल्दी पेमेंट करेंगे तो कंपनी उसके ऊपर इंटरेस्ट देगी 6% पर एनम. और मे बी ड्यू टू इन्फ्लेशन रेट कंपनी ने इसका रेट क्या कर दिया? डबल. रेट क्या कर दिया बच्चों? डबल. अब 5 के बदले क्या हो चुका है? 10. और 6 के बदले क्या हो चुका है? 12. इज इट ओके? दिख रहा है आप सभी को? प्लीज बताइए कुछ समझ आई बात? यस और नो बेटा? प्लीज बताएं यस और नो बेटा. रुकिए मैं वापस से क्लियर करता हूं. अगर आप फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पेमेंट आपने टाइम पे नहीं किया, आपने लेट पेमेंट किया, तो जैसे बिजली पानी का बिल होता है लेट पे करेंगे तो गवर्नमेंट को पेनल्टी देनी पड़ेगी. इन द सेम मैनर कंपनी विल चार्ज इंटरेस्ट फ्रॉम यू एंड दैट विल बी हाउ मच? 10% पर एनम. और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कितना है बेटा? 12% पर एनम. तो क्या आप में से कोई बता सकते हैं कोई ट्रिक या याद करने का तरीका किस पे 10 है किस पे 12 है? मेरे पास एक तरीका है बेटा, एक शॉर्टकट, कि इंसान बुरा हो सकता है, इंसान बुरा हो सकता है लेकिन कंपनी हमेशा अच्छी होती है. कंपनी इंटरेस्ट देती ज्यादा है और लेती कम है. इज इट ओके? रख पाएंगे याद आप बेटा? क्योंकि इसका प्रैक्टिकल लॉन्ग क्वेश्चन तो आएगा ही नहीं, मतलब 3 या 4 साल हो चुके हैं, सीबीएसई करिकुलम से उसको डिलीट कर दिया है सीबीएसई ने, बट इसका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है. टेबल एफ जो अलग से कंपनी का एक अमेंडमेंट का पार्ट है, उसके अंदर ये डिफाइन है कंपनीज एक्ट 2013 में. अगर आप लेट पे करेंगे तो कंपनी कहती है देखो आपने गलती किया, मिस्टेक किया, हम आपसे कितना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे? 10% पर एनम. और अगर आपने हमें एडवांस पैसा दे दिया तो उसके ऊपर हम आपको इंटरेस्ट देंगे. कितना देंगे? 12% पर एनम. अगर पेपर में कंफ्यूजन हो तो इंसान बुरा अच्छा कौन है बताओ ज्यादा, इंसान या कंपनी? बताओ बेटा कौन ज्यादा अच्छा है? यस यस बोलो ऑल ऑफ यू. यस पार्टिसिपेट. कंपनी 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 देगी ज्यादा लेगी कम. याद करने का तरीका है बेटा, नहीं तो आप भूल सकते हैं ना बेटा. राइट. तो दोनों के आंसर ट्रू है बेटा, दोनों के आंसर ट्रू है, बिल्कुल करेक्ट है बेटा. ट्रू ट्रू. फर्स्ट पेज पे क्वेश्चन रह गया आई थिंक, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं.
आइए नंबर वन क्वेश्चन. अ कंपनी इज फॉर्मड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013. बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है बेटा, ट्रू, 100% ट्रू, वेरी गुड. आगे चलते हैं, कुछ रेंडमली क्वेश्चंस पिक करते हैं बेटा. आइए 27 नंबर क्वेश्चन में आते हैं. 27, इक्विटी शेयर्स आर पेड डिविडेंड एट अ फिक्स्ड रेट. क्या बोलते हो बच्चों बताइए? फॉल्स. 100% फॉल्स, 100% फॉल्स. अब देखो आप अपना इंटरेस्ट बताना, अपने आप को सोचना, और मुझे चाहे तो पर्सनल रिप्लाई कर सकते हैं कि सर ओटीक्यू ज्यादा बेहतर है या लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा बेहतर है. लेकिन अभी नहीं, ये दो तीन दिन के सर्वे के बाद, क्योंकि अभी हमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करने हैं जहां एक क्वेश्चन सॉल्व करने में कई बार 5 मिनट लग सकते हैं फॉर फ्यूचर इशू. तो हर अगर लॉन्ग कर लिए अच्छे से तो बच्चा कहता है शॉर्ट्स आर वेरी इजी सर, हम कर सकते हैं, राइट. इक्विटी शेयर आर पेड डिविडेंड एट अ फिक्स रेट, बिल्कुल फॉल्स है, ये गलत है बच्चों. हाँ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये देखिए 24 का बताइए आंसर, 24 का बताइए बच्चों, 24 बताइए बच्चों. क्योंकि कुछ बच्चों ने 8 वर्ड ध्यान से पढ़ा ही नहीं. द वर्ड इज समझ आया बच्चों? भावनाओं में बह गए ना हमारे बच्चे, भावनाओं में बह गए ना बेटा. बच्चों ने क्या सोचा? हाँ, फिक्स रेट है, फिक्स रेट. अरे भाई, क्या प्रिफरेंशियल होल्डर को इंटरेस्ट मिलता है या क्या मिलता है बेटा? क्या मिलता है प्रिफरेंशियल होल्डर को? डिविडेंड मिलता है सर. शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है, इंटरेस्ट डिबेंचर्स के ऊपर दिया जाता है, वो टर्म 2 में पढ़ेंगे. तो इसका भी आंसर क्या है बच्चों? फॉल्स है. जल्दी से 25 में आइए बच्चों. 25 में लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इज अनलिमिटेड. सर नहीं, लिमिटेड है सर. सर उशान कह रहा है मैंने सर किसी कंपनी के 2000 शेयर खरीदे, कंपनी डूब गई, अब मैं क्या दूंगा? मैं आपको कुछ नहीं देना भाई, आपको कुछ नहीं देना, बस जो पैसा आपने दिया था कंपनी को वो डूब गया. अब आप कंपनी के ऊपर केस नहीं कर सकते बिकॉज आप तो खुद मालिक हो, यू आर दी ओनर, राइट बेटा. तो आंसर अनलिमिटेड गलत है, लायबिलिटी लिमिटेड ही रहती है, राइट बेटा. 22nd एंड 23rd एक साथ कर सकते हैं बेटा, बताइए इन दोनों में से ट्रू कौन सा है? 22, 23 कौन सा ट्रू है इसमें? यस बच्चों, 22. वेरी गुड, वेरी गुड बेटा. ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में ही तो प्रोरेटा होता है, कभी अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में हुआ है क्या? अरे सर, अंडर सब्सक्रिप्शन में तो लोगों ने अप्लाई कम के लिए किया. अब जिन बच्चों ने लॉन्ग क्वेश्चंस कर रखे हैं वो एंजॉय करते हैं, वो कहते हैं सर इसमें कोई टेंशन नहीं है, हमने तो पूरा चैप्टर पढ़ रखा है, वी आर एंजॉइंग. बिल्कुल सही है बेटा. नेक्स्ट, ओहो, क्वेश्चन नंबर 21, वेरी इजी फर्जी क्वेश्चन, बताइए ट्रू या फॉल्स एट द टाइम ऑफ इशू. मैक्सिमम, अच्छा कितना होता है मैक्सिमम बता सकते हैं कोई बेटा? कितना होता है मैक्सिमम? अनलिमिटेड. अनलिमिटेड इज द राइट आंसर, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड. चलिए अब थोड़ा सा टेंशन वाला क्वेश्चन जिसके लिए थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा. डिविडेंड कैन बी पेड ऑन कॉल्स पेड इन एडवांस. ऑन कॉल्स इन एडवांस कह सकते हैं बेटा, डिविडेंड कैन बी पेड ऑन कॉल्स इन एडवांस. सोचिए. फॉल्स. अच्छा क्वेश्चन है बेटा. देखियो पहली बात यह है कि डिविडेंड कब दिया जाता है? जब कंपनी ने पूरा पैसा आपसे मांग लिया. अब एडवांस किसी ने दिया तो उसके ऊपर कोई कंपनी डिविडेंड नहीं देती. अब रियलिस्टिक लाइफ की देखो बात में एप्लीकेबल होते ही नहीं, क्योंकि रियलिस्टिक लाइफ में कंपनी पैसा कितनी इंस्टॉलमेंट में लेती है? 1 इंस्टॉलमेंट. तो वहां तो कोई टेंशन ही नहीं है सर, और प्रॉफिट होता है अगले साल से तो कंपनी डिविडेंड दे देती है, कोई टेंशन ही नहीं है. थ्योरेटिकल लाइफ के हिसाब से ये क्वेश्चन बनता है वैलिड कि क्या कॉल्स इन एडवांस पे डिविडेंड दिया जाता है? द आंसर इज नो सर, नो. द आंसर इज फॉल्स, राइट. देन अगेन, कॉल्स पेड इन एडवांस, कॉल्स पेड इन एडवांस इज अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल. क्या लगता है बच्चों? सोचो 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 सोचो, लगाओ दिमाग. कॉल्स पेड इन एडवांस, अगर किसी ने एडवांस पैसा दे दिया तो क्या वो शेयर कैपिटल का पार्ट है? नहीं है बेटा, नहीं है. एक बात सुनो बेटा, कंपनी ने मान लो 10 रुपए का शेयर है, अभी कॉल्ड अप 6 रुपए की है, तो सब्सक्राइब में 6 रुपए से ऊपर नहीं आ सकता सर. लेकिन एक डाउट है सर, सर राहुल एक शेयर होल्डर है, राहुल ने आगे का पैसा जो कंपनी ने नहीं मांगा ये भी एडवांस दे दिया राहुल ने. राहुल के पास बहुत पैसा था, है ना राहुल? आपने कैसे दे दिया पेमेंट बेटा? एडवांस. कंपनी ने कॉल्ड अप कितना किया था?
6 रुपए। राहुल ने कहा सर कल होना हो, मेरे पास तो पैसा पड़ा था, मैंने 4 रुपए भी दे दिया आगे का। तो कॉल्स इन एडवांस इज नॉट द पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। क्या आप में से कोई बता सकता है, क्या किसी के पास दिमाग में नॉलेज है अभी? ये इसके लिए नेगेटिव नहीं बोलूंगा क्योंकि अलग सा ही क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड। कॉल्स इन एडवांस को बैलेंस शीट में कहां दिखाया जाता है? करंट लायबिलिटी। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। कॉल्स इन एडवांस इज अ करंट लायबिलिटी। सर कैसे? हम ये मानते हैं अगर कंपनी ने 10 रुपए का शेयर, सुनना पूरी बात, 6 रुपए कॉल्ड अप किए, तो हो सकता है 4 रुपए अगले साल कॉल्ड अप करेगा कंपनी, या फिर रिटर्न में स्टेटमेंट दे रहा है कंपनी की बाकी 4 रुपए हम मांगेंगे नहीं, रिजर्व कैपिटल में रखेंगे। ऐसा तो मैंने नहीं कहा, 10 रुपए का शेयर कॉल्ड अप है 6 रुपए, इट मीन 4 रुपए हो सकता है कंपनी नेक्स्ट ईयर में मांगेगी, राइट? और किसी ने एडवांस दे दिया, जैसे राहुल की बात की, इसने पैसा एडवांस दिया, दैट विल बी ट्रीटेड एज कॉल्स इन एडवांस और कंपनी इसे करंट लायबिलिटी में शो करती है। ये एक नंबर का क्वेश्चन है, बोर्ड के पेपर में 100% आ सकता है कि कॉल्स इन एडवांस को कहां दिखाते हैं। सर करंट लायबिलिटी है, अगले साल का पैसा था, एडवांस मिल गया, कोई बात नहीं, करंट लायबिलिटी में दिखा देंगे। और करंट लायबिलिटी में भी एक सब हेडिंग आता है, ये थर्ड बुक में पढ़ेंगे आप, OCL, अदर करंट लायबिलिटीज, क्योंकि ये जनरली रोज रोज नहीं होता, थर्ड बुक के अंदर आप ये पढ़ेंगे, तो घबराइए मत। कुछ चीजें कंपनी की आप यहां सीख रहे हैं तो कुछ चीजें आप थर्ड बुक में भी सीखेंगे, क्योंकि थर्ड बुक स्पेशली एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की है, उसमें कंपनी की सारी चीजें डिटेल में दिखेंगी। यह सुशांत बताए बेटा, यह सुशांत सर बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटीज भी तो शेयर कैपिटल के अंदर ही आती है। क्या बात कर रहे हो बेटा, आपने अभी तक थर्ड बुक पढ़ी है? पहले ये बताओ, देखा है थर्ड बुक का फर्स्ट चैप्टर, यस और नो बेटा? यस और नो? नो सर। नहीं देखा। आप जब कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे, पहली बात, अभी तक आप फॉर्मेट देख रहे हो हॉरिजॉन्टल, अभी तक फॉर्मेट देख रहे हो हॉरिजॉन्टल, वहां फॉर्मेट आने वाला है वर्टिकल, और पहला हेडिंग लायबिलिटी नहीं होता, फॉर योर का इन्फॉर्मेशन ऑल ऑफ यू, हेलो, पहला हेडिंग पता है कंपनी की बैलेंस शीट में क्या होता है बेटा? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। There is a difference between equity and liability. Equity का एक और नाम है shareholder fund. Company, जनता का पैसा, shareholder fund. Owners equity भी कहते हैं. और liability क्या है? जिसका payment company को करना है. Equity का payment नहीं करना बेटा. आप जरा सोचिए. There is a difference. That's why I'm telling you. इसका detail knowledge आपको कहाँ मिलेगा? Third book के अंदर. बेटा हमने 13 years में सच में day and night यही तो सब पढ़ा है. तभी तो हम न्यूज़पेपर और सब अकाउंट्स की बुक पे रिसर्च करते हैं। आपको और अच्छी नॉलेज मिलेगी कब? जब आप थर्ड बुक पढ़ेंगे। इसलिए कह रहा हूं थोड़ी सी पेशेंस रखना होगा आपको, क्योंकि इसका ऑफिशियल प्रोफेशनल नॉलेज वो आपको थर्ड बुक में मिलेगा। लेकिन 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 जो क्वेश्चंस है फॉर फ्यूचर रीइश्यू और ये सब, ये यहीं पे सीखना पड़ेगा। चलिए जल्दी से आगे चलते हैं, टाइम का लिमिटेशन है बेटा, राइट? 28th नंबर क्वेश्चन, मैं इसके आगे एक वर्ड लिख रहा हूं पेपर, अब आप समझ जाओ बेटा। 28th क्वेश्चन पेपर क्या लिखा है इसके अंदर जरा देखिए क्या लिखा है बच्चों। एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन थोड़ा सा लैग हो रहा है बेटा वॉल्यूम, है ना, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन 25% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स। फॉल्स। देखिए अब यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, यहाँ पर आप भी थोड़ा सा रिसर्च करना, मैं भी रिसर्च करूंगा, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड इश्यू प्राइस। तो एग्जैक्टली आगे ये देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है, आगे आपको इसी में दिखेगा, वहां पर डीके गोयल बुक में लिखा है फेस वैल्यू नहीं इश्यू प्राइस ऑफ शेयर। तो थोड़ा सा एक बार मैं भी कंफर्म होता हूँ, आई विल डू रिसर्च कि फेस वैल्यू 100% करेक्ट है या इश्यू प्राइस। एज पर माई नॉलेज It should be issue price, to be very honest, है ना? तो हो सकता है मेरे दिमाग में confusion आ गया या आपके दिमाग में, तो हम मिलकर research करेंगे बेटा, और आप में से भी किसी को net पे या कहीं research करके पता चले, तो please मुझे message करना। हाँ उशान बोलो 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 बेटा, yes उशान, yes बेटा। तो वैसे ये 25% से होना चाहिए क्या less? नहीं नहीं 25% तो correct है बेटा, 25% सही है, but face value होना चाहिए या issue price? There is a difference ना। 10 का शेयर फेस वैल्यू 10 रुपए, 10 का शेयर अगर कंपनी ने 16 रुपए में बेचा तो 16 रुपए को कौन सा प्राइस बोलेंगे बेटा, फेस वैल्यू या इश्यू प्राइस? बोलो बोलो बोलो, इश्यू प्राइस। तो एग्जैक्टली
क्या आंसर होना चाहिए? 25% तो करेक्ट है बेटा, मिनिमम एप्लीकेशन पे 25% लेना है, बट फेस वैल्यू हो या इश्यू प्राइस हो। मेरे दिमाग में भी कंफ्यूजन आ गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूजन आपके दिमाग में भी आ सकता है, भले आप कितने भी नॉलेजेबल हो, तभी ये वर्ड बना आई थिंक कंफ्यूजनेबल, राइट? कंफ्यूजन, कोई टेंशन नहीं है, रिसर्च करते हैं और आजाद के अंदर ग्रुप में अपडेट कर दूंगा मैं भी, आपके पास भी कुछ अपडेशन हो आप भी कर सकते हैं कि इश्यू प्राइस होगा या फेस वैल्यू होगा, फिर वो फाइनल डिस्कशन हो जाएगा, उससे पहले हमें नहीं बोलना चाहिए। चलिए अब वी हैव हाउ मेनी क्वेश्चंस, इस पेज पे भी हमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिख रहे हैं, तो चलिए कुछ रैंडमली कुछ और क्वेश्चंस क्लिक करते हैं। यस सुशांत बताओ बेटा जल्दी से, यस सर नेट पे इश्यू प्राइस है, देखो वही मैंने कहा ना बेटा, देखिए इसने मैं भी कई बार हमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, हमें जब तक 100% नॉलेज ना हो। यस वंशिका भी कुछ बोल रही है, यस वंशिका बताओ बेटा, यस बेटा चलो तो ये फाइनल हो, बोलो बेटा आप भी अनम्यूट किया, आपने भी कुछ चेक किया क्या नेट पे? नहीं सर वो मेरा नेटवर्क इशू था तो रीजॉइन किया था। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, तो चलिए एक बार और मैं भी रिसर्च कर लेता हूँ शाम, ठीक है, एक दो और जो दिल्ली के ग्रुप्स हैं, कई कल को सीबीएसई का क्या अपडेट है, बिकॉज बेटा हमारे जब भी सेमिनार सर होते हैं ना, जब भी मैंने अटेंड किया बेटा, तो उसमें क्या कई बार ऑथर्स की बात कर रहा हूँ मैं, डीके गोयल सर, टीएस ग्रेवाल, इनके कम से कम तीन तीन चार चार वर्कशॉप अटेंड किए हैं, और कई बार इसमें लड़ाइयां होती हैं बेटा। लड़ाइयां कैसे होती हैं? क्योंकि जयपुर और दिल्ली के बहुत सारे एक्सपीरियंस टीचर्स भी आते हैं, तो एक ना एक ऑथर जो है, मतलब एक ना एक टीचर जो है ऑथर से भिड़ ही जाता है बेटा, जैसे कई बार बच्चे भिड़ जाते हैं टीचर से, तो इसलिए हम तो भाई लड़ाई करते ही नहीं कि हाँ बेटा जो कह रहे हो तुम सही है, लेकिन नॉलेज पूरी होनी चाहिए हमें। तो जब भी मैंने ऑथर्स के जो सेमिनार्स वर्कशॉप्स अटेंड किए, वहां पर ऑथर एक ही बात कहता है बेटा कि देखिए रियल लाइफ में क्या होता है हमें नहीं पता, हम बात करेंगे सीबीएसई बोर्ड क्या कहता है, क्योंकि बच्चों को अभी सीबीएसई बोर्ड का पेपर देना है। मैं सही कह रहा हूँ बेटा, अभी आपको पेपर किसका देना है? सीबीएसई बोर्ड का। तो मैं थोड़ी सी और रिसर्च कर लेता हूँ, नेट क्या कह रहा है वो अपनी जगह वैल्यूएबल है, उसकी भी इंपॉर्टेंस है, बट सीबीएसई बोर्ड क्या कह रहा है I will get back to you आज के अंदर, right बेटा? फिर मैं ग्रुप में आपको उसका मैसेज भी कर दूंगा, ठीक है बेटा? लेकिन अच्छा है उशान आपने तुरंत बता दिया कि इश्यू प्राइस है, थोड़ी सी और क्लैरिटी ले लेते हैं कि सीबीएसई बोर्ड क्या कहता है। चलो बेटा जल्दी से आगे चलते हैं, एक पेज और दिख रहा है, देर आर सो मेनी क्वेश्चन, कुछ ना कुछ और करते हैं बेटा जल्दी से। चलिए मुझे सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग छोटा सा क्वेश्चन दिख रहा है जिसके लिए अंडरस्टैंडिंग वाला कई सेगमेंट होते हैं आपके बुक में देखेंगे, एनालिटिकल, अंडरस्टैंडिंग, रिमेम्बरिंग वाला। तो 41 नंबर क्वेश्चन पे आइए, क्या दिख रहा है 41 नंबर क्वेश्चन? व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड द शेयर कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड, बताइए बच्चों ट्रू या फॉल्स? ट्रू। फॉल्स। सोच लो बेटा सोच लो, अब सोचो आपने जर्नल एंट्री जिन बच्चों ने की है, आप पेपर में जब एक कॉन्सेंट्रेट करके पेपर देंगे, मैं मानता हूं आप में से मैक्सिमम बच्चे सही लिखेंगे आंसर, गलत नहीं करेंगे। अगर आपने एक बार भी अच्छे से रजिस्टर में एंट्री की है, आपको पता है सर जब भी हम शेयर इश्यू करते हैं, जब भी हम शेयर, लो मेरा एक क्वेश्चन है आंसर देना जल्दी से बेटा, जब भी कंपनी शेयर इश्यू करती है, कंपनी शेयर कैपिटल को डेबिट में लिखती है या क्रेडिट में, बताइए बच्चों बताइए? क्रेडिट में। यस यस ऑल ऑफ यू बोलो बोलो बोलो, यस। जब भी कंपनी शेयर इश्यू करती है, वेरी गुड ऑल ऑफ यू बेटा, पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करो बेटा, अब धीरे धीरे पार्टिसिपेशन बढ़ाओ अपना, ये पेपर में आना है सब कुछ आपके सामने, राइट बेटा? एजर्शन बेस और ये सब कुछ दो चार क्वेश्चन मिलेंगे आपको, बाकी नॉर्मल ओटीक्यूज ही ओटीक्यूज मिलेंगे। तो बेटा जब भी कंपनी शेयर इश्यू करती है, कंपनी शेयर कैपिटल को क्रेडिट करती है, लेकिन फॉर फ्यूचर के समय कंपनी शेयर कैपिटल को क्या कर देती है? डेबिट। तो इसका आंसर है फॉल्स, खत्म। देखिए नेक्स्ट, शेयर्स कैन नॉट बी इश्यूड एट डिस्काउंट, बताइए ट्रू या फॉल्स? बताइए ट्रू। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है, 100% सही है, कहीं कोई टेंशन नहीं है। अब एक नॉलेजेबल क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अ न्यू कंपनी, ये थ्योरिटिकल एस्पेक्ट है ध्यान से सुनना, अ न्यू कंपनी cannot issue its shares on premium, पहले तो मेरी बात सुनना before telling the answer, हमेशा आप ध्यान रखना CBSE एक चीज important जो करता है CBSE problem create, वो not वाले question ज्यादा देता है, वो question में क्या चीज जरूर attach करता है not, तो बच्चा उससे क्या हो जाता है confused,
तो क्वेश्चन के फीलिंग समझे, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, एक नई कंपनी अपने शेयर प्रीमियम पर इश्यू नहीं कर सकती, बताइए बेटा क्या लगता है आंसर? सर 100% फॉल्स, कर सकती है सर, नई कंपनी पुरानी कंपनी का क्या रोल है, आप बिल्कुल अपने शेयर्स को प्रीमियम पर इश्यू कर सकते हो, ये गलत लिखा है इन्होंने, द आंसर विल बी फॉल्स। आ जाओ जल्दी से नेक्स्ट 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 क्वेश्चन लेते हैं बेटा, कौन सा ले कौन सा ले कौन सा ले, आ जाइए 48 नंबर पे आते हैं, बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? ट्रू। वेरी गुड सर, बिल्कुल सही है, फॉरफिचर का जो बैलेंस होता है बैलेंस, इसे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं, 100% करेक्ट है, ट्रू है बेटा, राइट। नेक्स्ट, द बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिचर अकाउंट कैन बी ट्रांसफर टू एसपीएल, बताइए बच्चों, यस फॉल्स? फॉल्स सर, क्या बच्चों वाली बात कर रहे हैं, हमें पता है सर लास्ट एंट्री कंपनी की क्या होती है, फॉरफिचर का बैलेंस हम कहां ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व में। लेकिन ये दोनों तो नहीं आएंगे ना क्वेश्चन पेपर में, तो कोई एक आएगा, तो अभी अभी आप सबने देख लिया कि हाँ सर फॉरफिचर के बैलेंस को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, ये ट्रू है, तो एसपीएल वाला फॉल्स हो जाएगा। यस बेटा, यस सुशान, यस सर 33 वाला बताना, 33 आ जाइए बेटा। वैसे देखो 33 में अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, 33 के लिए मैं आपको अलग से एक नोट्स प्रोवाइड करूंगा, वैसे आप सबको रीड आउट करना चाहिए, सुनना 33 नंबर जो क्वेश्चन है ये क्या लिखा है, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन शेयर्स मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड, मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। अब ध्यान से सुनना, ये कौन सा टॉपिक है पता है बेटा, ये कौन सा टॉपिक है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, इस पैसे को कंपनी कहां कहां यूटिलाइज कर सकती है। पहले तो एक बात सुनिएगा आप सब ध्यान से, इसका आंसर तो फॉल्स है बेटा, ये तो कंफर्म है। अब आप सब मेरी बात सुनना ध्यान से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसपीआर, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको एक्सप्लेन भी नहीं करना, आप सब ध्यान से सुनना, कंपनी अपने शेयर को जब एक्सेस अमाउंट में देती है, बेचती है, एक अच्छी कंपनी 10 का शेयर 50 रुपए में 100 रुपए में 200 रुपए में, जो एक्सेस मनी लेती है कंपनी से क्या बोलती है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, और इस पैसे को कंपनी अपने घर नहीं ले जा सकती, ये पैसा भी शेयर होल्डर फंड के अंदर ही आता है बेटा। शेयर होल्डर फंड के अंदर दो हेडिंग्स आते हैं, पहला हेडिंग शेयर कैपिटल, दूसरा हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस, ये दोनों जनता का पैसा है, कंपनी घर नहीं ले जा सकती। तो सर फिर ये पैसा कंपनी ने लिया क्यों है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा कंपनी ने क्यों लिया, ताकि कंपनी के अंदर जो रूटीन कुछ अलग अलग स्पेशल एक्सपेंसेस है लॉसेस है उसको हम कवर अप कर सके, राइट। और उसमें पहला एक पॉइंट मैं बता सकता हूँ आपको, मैं एक दो पॉइंट्स तो अभी के अभी बता रहा हूँ, हालांकि 4 से 5 मिनिमम आपको पॉइंट्स दिखेंगे, वो सब आपको बुक में चेक करना है, उसके बाद सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे कि एसपीआर को आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। नंबर वन, अगर कंपनी बोनस शेयर इश्यू कर रही है, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोनस शेयर, कोई बताना चाहेगा जल्दी से बेटा, टाइम कम है। यस एनीवन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोनस शेयर, एनीवन, बोनस शेयर, चलो इट मींस आपको नहीं पता कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेन करता हूं। कई कंपनीज रियल लाइफ में भी बोनस शेयर इश्यू करती हैं, ठीक है, क्या है इसका मीनिंग, कि एक कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करी है मार्केट में, ठीक है, अब उनको और नए शेयर इश्यू करने हैं, 4 साल हो गए 5 साल हो गए, तो वो कंपनी क्या करती है, कई बार अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोनस देती है, क्या देती है, बोनस। सर क्या बोनस पैसा होता है, नहीं, बोनस कैसे देती है, इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, कि अगर मान लो लक्षिता के पास मेरी कंपनी के 500 शेयर हैं, तो हमने कहा हम जिसके पास 5 शेयर है हम उसे 1 शेयर बोनस में दे रहे हैं, 1 शेयर बोनस में, तो लक्षिता के पास 500 शेयर थे, लक्षिता आपको कितने शेयर्स मिलेंगे, कोई बताना चाहेगा लक्षिता को कितने बोनस शेयर मिलेंगे, 5 वालों को 1, वेरी गुड 100। लक्ष्य रियल लाइफ में भी ऐसा होता है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो चुकी है, रियल लाइफ में इतना नहीं देती, क्योंकि ये देना इजी बात नहीं है, क्योंकि हम आपको शेयर सर्टिफिकेट दे रहे हैं और बदले में आपसे पैसा नहीं ले रहे,
तो कंपनी के लिए लॉस तो हो गया, कंपनी इस लॉस को कहां से कवरअप करेगी, कहां से, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अगर आपने स्टार्टिंग के कुछ एग्जाम्पल पढ़े हो तो जल्दी से बताना येस और नो, क्या आपने ये पढ़ा था शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, याद आ रहा है बेटा शेयर इश्यू एक्सपेंसेस जर्नल एंट्रीज के अंदर, जर्नल एंट्रीज के अंदर स्टार्टिंग के कुछ एग्जाम्पल्स में था कि हमने शेयर इश्यू करते समय कुछ एक्सपेंसेस हुआ और इसको कहां से कवरअप किया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। चेक कर लेना स्टार्टिंग के एग्जाम्पल जर्नल एंट्रीज के, वहां पे आपको दिखेगा। यस बेटा, यस यस बेटा, क्लास चल रही है, दिख रहा है आपको बेटा? यस बेटा, यस सर।